हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, सिंपल इक्वेशंस, सरल समीकरण। और इसमें हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 कर लिए हैं। इसमें हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे हम इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 है आपकी बुक में। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 32। एक संख्या है, उसका 3 गुना और 11 का योग 32 है, ऐसा लिखा हुआ है। 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर और 11, इन दोनों का योग जो है, सम है, वो 32 है, 32 है। आपको वो नंबर बताना है कि ये नंबर क्या होगा। तो इस तरह से जब पूछा जाए, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि पहेलियां होंगी। तो पहेलियों में आपको बोला जाता है कि एक नंबर है और वो पता करना है आपको। तो जो भी चीज़ आपको पता करनी है, जो पता नहीं है, अननोन है, अज्ञात है, उसे हम यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल चर, और उसे हम एक्स वाई जेड इस तरह से लिखते हैं। तो वही करना है हमें, जो चीज़ नहीं पता है उसकी जगह हम एक्स वाई जेड में से कुछ लेटर यूज करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11, इन दोनों का सम जो है वो 32 है। एक नंबर, एक संख्या, उसका 3 गुना और साथ में 11, इन दोनों का योग जो है वो 32 बोला है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 3, और यहाँ पर ये जो नंबर हमें नहीं पता है, एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 32, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो करना कैसे, आपने आपने जो नंबर नहीं पता है उसको लिखना है, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, हिंदी में लिखेंगे माना संख्या जो हमें नहीं पता है वो है एक्स। तो जो संख्या हमें नहीं पता है उसको हमने एक्स मान लिया, लेट मतलब माना, तो लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, माना संख्या वो एक्स है। अब हमें क्वेश्चन में जैसा बोला है वो करना है हमें। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि इसका 3 टाइम्स, 3 गुना, तो 3x लिखेंगे और 11 साथ में और बोला था कि प्लस करना है, और वो 32 बनता है, तो इज इक्वल टू 32। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि कैसे किया था। ये प्लस 11 है तो यहां माइनस 11 किया था, इस तरफ भी 32 माइनस 11, ये 11 हटाना है तो माइनस 11 माइनस 11 दोनों साइड किया, उससे ये 11 11 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3x, 32 में से 11 माइनस कर दिया, ये बन गया 21। अब आपको यहां से ये 3 हटाना है तो ये डिवाइड करके हटेगा, तो दोनों साइड हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 21 कैंसिल हुआ, 7 आ गया, और इस तरह से ये बन गया x इज इक्वल टू 7। ये आपके पास वो नंबर आ गया जो आपको निकालना था, तो ये आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 7, या फिर नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू 7, इसलिए संख्या बराबर, हिंदी वाले लिखेंगे संख्या बराबर 7, तो इस तरह से आंसर बन जाएगा। तो यहां जो ऊपर हमने जहां से शुरुआत की थी वही लास्ट में लिखना है। ऊपर हमने लिखा था द नंबर संख्या, तो वही लिखा और इज इक्वल टू वो एक्स था, एक्स हमारे पास 7 आ गया, तो 7 आपका आंसर आ गया। चेक भी कर सकते हैं इसको, आपका आंसर ठीक आया कि नहीं। आपको बोला था नंबर का 3 टाइम्स, 3 गुना, तो 3 गुना किया इसमें और 11 किया, तो ये 32 बनना चाहिए, क्वेश्चन में ये बोला था, तो करके देख लो, 21 बना ये प्लस 11 ये 32 आ गया, तो इसका मतलब आपका ये आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आपने जो भी स्टेटमेंट दी है उससे इक्वेशन बनानी है, समीकरण, और उसको हल करना है, उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर आपका जो चीज नहीं पता है वो निकलेगी। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा है कि फाइंड अ नंबर, एक संख्या ज्ञात कीजिए, सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7, इज 3 मोर देन 7। तो आपको यहां पर एक नंबर पता करना है, तो फिर से वही करेंगे हम, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हैं आप, माना संख्या बराबर x।
अब ये संख्या हमने x ले ली, अब आपको यहाँ जो कहा है उसको हमें इक्वेशन में बनाना है। जो स्टेटमेंट है वो है, 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ द नंबर, नंबर का 1/4, एक चौथाई इस नंबर का। संख्या है x, इसका एक चौथाई 1/4, तो 1/4x बन जाएगा। इज लग गया तो इक्वल लगाया, 3 मोर देन 7, 7 से 3 ज्यादा। तो 3 मोर देन 7, 3 प्लस 7 या 7 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 3 मोर देन 7 सीधी सी बात है 7 से 3 ज्यादा, यानी कि 10 है वो, तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे। तो आपको यहां पर ये बन गई, आपको कहा था एक नंबर है उसका 1/4, एक चौथाई, तो 1/4 लगाया। इज बोल दिया तो इक्वल लगाया, 3 मोर देन 7, 3 है ज्यादा 7 से, 3 प्लस 7, 7 से 3 ज्यादा। तो 7 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 7 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर आ गया ये x/4, x(1) x ही लिखेंगे, अपॉन 4, और 3 प्लस 7 ये बन गया 10। अब आपको ये 4 हटाना है, तो x/4 है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे दोनों साइड, तो उससे ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे था तो 4 से इधर मल्टीप्लाई किया, 4 से इधर भी कर दिया, तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 4 टेंस 40। ये देयर फोर द नंबर इज इक्वल टू 40, इसलिए संख्या बराबर 40 ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसमें एज के बारे में है, आयु उम्र। यहाँ का है, राजूज फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। फाइंड राजूज एज इफ हिज फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड। तो फादर की एज दे दी है, फादर्स एज वो जो है 44 ईयर्स है, पिता की आयु, हिंदी वाले लिखेंगे पिता की आयु बराबर 44 वर्ष, ये दी हुई है। राजू की उम्र बतानी है, तो यहां पर हमें लेट करना पड़ेगा, माना राजूज एज एक्स ईयर्स, एक्स मान लेते हैं, माना राजू की आयु एक्स वर्ष। राजू की आयु को हमने एक्स वर्ष ले लिया। अब यहां पर कहा है, राजूज फादर एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। राजू के पिता की आयु, राजू के फादर की एज जो है कितनी है, 44। इज वो है, कितनी है वो है 5 ईयर्स मोर देन, 5 ज्यादा, 5 ज्यादा तो 5 प्लस, किससे 5 ज्यादा, 3 टाइम्स राजूज एज, राजू की उम्र का 3 गुना। तो राजू की उम्र थी x, इसका 3 गुना 3x हो गया। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन, ये समीकरण बन गया, राजू के फादर की एज जो है वो इक्वल है, वो बराबर है किसके, जो राजू की उम्र है उसके 3 गुने से 5 ज्यादा, तो 5 प्लस किया। अब आपको ये निकालना पड़ेगा ये x कितना है, तो +5 है, तो दोनों साइड ये -5 कर लो पहले, 44 -5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x था, इसमें भी -5, 5 5 ये कैंसिल हो गया। 44 में से 5 माइनस किया, 39 इज इक्वल टू 3x। अब ये 3 हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपॉन 3 दोनों साइड 3 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर करेंगे तो 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पर आपके पास आ गया x और इस साइड है 13, तो x इक्वल टू 13 आ गया। इसका मतलब राजू की उम्र जो है वो x मानी थी, देयरफॉर राजूज एज इक्वल टू 13 ईयर्स, हिंदी वाले लिखेंगे राजू की आयु बराबर 13 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने करना है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर करा दिए। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास। यहां पर आपको यही करना है, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कथन जो आपके पास बातें दी हुई हैं उससे आपने इक्वेशन बनानी है, समीकरण।
और फिर उस समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, अननोन जो भी है वो उत्तर आपके पास आ जाएगा। तो यही करना है, आपने स्टेटमेंट जो दी है उसमें जो चीज़ नहीं पता है उसमें आपने एक्स वाई जेड उसको कुछ मानना है, उसके हिसाब से आपने समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से जो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी कराए आपको, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो ये इसमें जो आपके पास है वो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये क्वेश्चंस हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स भी हैं इसके, तो वो सभी के सभी आपने करने की कोशिश करनी है और जितने आप कर पाओ वो करना, और उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।